वालेकुम सलाम जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं उमेर बात कर रहा हूँ, उमेर हमजा जी बेटा। जी। मेरा काम का मसला है जी, मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ, जॉब करता था पहले चिन्यौत में, अच्छा तो उसके बाद अब कहीं जॉब नहीं मिल रही जी। कल एक दोस्त ने बुलाया था लाहौर मुझे अच्छा जॉब पे, अच्छा तो मैं कल गया लाहौर, लेकिन उसने मुझे कहा कि पहले मुझे पैसे दो तो उसके बाद मैं आपका काम करता हूँ। मैंने कहा अच्छा, कहता पहले मुझे इजी पैसा करवाओ। तो अचानक से अल्लाह की तरफ से उसका भाई मिल गया मुझे वहां पे, तो उसके भाई ने बताया वो तो फैसलाबाद है। यानी ऐसे करके मेरे साथ हो रहा, उसमें भी हुआ, लेकिन कोई जॉब नहीं लग रही। मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ, इलेक्ट्रिशियन की जॉब यानी तुम काम काम करता करना हूँ। चाहते हो कि जॉब करना चाहते हो, मैं ये बताओ। मैं ये चाहता हूँ कि मैं पहले जॉब कर लूँ कि कुछ हाथ में कुछ आ जाएगा तो फिर मैं अपना काम शुरू कर लूँ। बहुत अच्छी बात, अच्छी बात, अच्छी बात, बड़ी ज़िम्मेदारी की बात तुमने की। लेकिन मैं तुम्हें एक बड़े अदब से बात कहूँ, पता नहीं उलमाए किराम के इस पर भी बड़े फतवे हैं हमारे पास। मैं पहले तो बचपन में सुना करते थे रिश्वत देने और लेने वाला दोनों जहन्नमी हैं, फिर उलमाए किराम ने इसमें थोड़ी सी नरमी कर दी कि अगर रिश्वत देना जो है वो इनएविटेबल हो, यानी कि उसके बगैर चारा ही ना चल रहा हो, तो थोड़ी सी देने वाला जो है वो बख्शा भी जाएगा। उलमाए किराम भी मुझे लगता है इमरान खान को ज़्यादा वोट देते हैं, यू टर्न काफ़ी लेते हैं ये अपने अपने मामलात में, जैसे दुनिया में चलता है मामलात। लेकिन मैं बड़े ईमानदारी से कह रहा हूँ, जो मामला ही हराम से शुरू हो रहा है उसमें हलाल कहां से तुम लोगे। इसलिए ये जो दे दू के रिश्वत दे वाले मामला थे इनमें मत पढ़ना, सूरह इखलास पढ़ना और अल्लाह से अच्छी दुआ करना, और अगर तुम एक काम करो तो अल्लाह भी क्या कमाल तुम्हारे पर रहम फरमाएंगे। अल्लाह हमेशा ही कमाल रहम फरमाते हैं। सुबह एक फजर पढ़ लो, और अगर फजर से थोड़ा सा पहले उठ के एक तहज्जुद खुले आसमान तले जाके पढ़ो और सूरह इखलास पढ़ो और अल्लाह से कहो कि अल्लाह ताला तेरे सवा मेरा कौन और हो सकता है। अल्लाह की तारीफ़ करना पहले, अल्लाह के दिए हुए पे शुक्रगुजारी करना और फिर अल्लाह से मांगना।